गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर में आज हम जानेंगे पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग, अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, एप्लीकेशंस एंड अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी के क्या जानेंगे हम, अचीवमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अनुप्रयोग और उपलब्धियां, तो सबसे पहले आता है इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन। नंबर एक जो है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन इसका मतलब क्या है, देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में हम वैसे तो इसके जो स्टेप हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग और अचीवमेंट। तो उत्तक संवर्धन तकनीक के दौरान जो पादपों के पुनर्जनन की जो विधि है उसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा यानी पीटीसी द्वारा क्या करते हैं हम करते हैं पादपों का पुनर्जनन। ठीक है, द्वारा पादपों के पुनर्जनन को क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी पादपों का निर्माण करवाया जाता है, जैसा कि हमने प्रोसेस में पिछली क्लास में देखा भी था। इसके बाद देखिए इस तकनीक के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करने वाले आर्थिक महत्व के जो पादप हैं और चयनित नोबल प्लांट जो हैं उनमें शीघ्र गुणन करवाया जाता है। तो इसके द्वारा जो आर्थिक महत्व के पादप हैं, आर्थिक महत्व के पादप व नोबल प्लांट जो होते हैं वो चयनित पादप होते हैं, यानी कि उत्तम किस्म बनाने के लिए कुछ पादपों का चयन किया जाता है। ठीक है, और फिर उनसे उत्तम किस्म और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इसके द्वारा आर्थिक महत्व के पादप और नोबल प्लांट जो है उनमें शीघ्र गुणन द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये है इसका दूसरा अनुप्रयोग। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा क्या किया जाएगा, आर्थिक महत्व के पादपों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है, सीधी सी बात यह है। और देखिए कम समय और कम स्थान में अधिक संख्या में उत्पादन हो सकता है। इस तकनीक द्वारा ऑर्किड की कई जातियों किस्म जो है जातियां नहीं कहेंगे ऑर्किड की कई जातियां भी कह सकते हैं, जैसे कटेलिया है, सिम्बीडियम है, डेंड्रोबियम है। ठीक है, जैसे कटेलिया और डेंड्रोबियम, इनकी उत्तम किस्म और इनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर इनका बहुगुणन किया गया है, जैसे वांडा का किया गया है। वांडा ये सारे क्या हैं, ये ऑर्किड है। ठीक है, इसके अलावा सिम्बीडियम, इसके अलावा देखिए कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, कुछ सजावटी पौधे जैसे बिगनोनिया है, जैसे बिगोनिया, गुलदाउदी, जरबेरा। ठीक है, जैसे जरबेरा, गुलदाउदी और इसके अलावा बिगोनिया, ये क्या है, ये सारे सजावटी पौधे हैं। तो इन सजावटी पौधों को भी व्यावसायिक स्तर पर इनका बहुगुणन करवाया जाता है। ठीक है, तो जब इनका हम बहुगुणन करवाते हैं तो ये बागवानी महत्व के पौधे हैं, इसलिए इनका बहुगुणन किस तकनीक द्वारा करवाया जाता है, माइक्रो प्रोपिगेशन द्वारा यानी सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा करवाया जाता है। और सूक्ष्म प्रवर्धन के स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें एक्स प्लांट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें मान लो बिगोनिया है तो बिगोनिया की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो बिगोनिया का ही क्या लिया जाएगा, एक्स प्लांट लिया जाएगा। फिर उस एक्स प्लांट का
निजर्मीकरण किया जाएगा, यानी पहले उसको 20 की जो ट्रीन 20 है उससे उसका प्रक्षालन होगा, फिर उसके बाद उसका सतही निजर्मीकरण होगा, और उसके बाद उस एक्स प्लांट को फिर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, संवर्धन माध्यम में, वहाँ पर केलस का निर्माण होगा। केलस एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, और फिर बाद में उसे दूसरे संवर्धन माध्यम यानी एकदम फ्रेश संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफर कर उनमें विभेदन प्रक्रिया को उत्पन्न करवाया जाता है, जिससे कि कैलस का विभेदन होता है, जिससे आगे जड़ तना पत्ती का विकास होता है, नए प्लांटलेट का विकास होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म प्रवर्धन करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो है वायरस रहित पादप प्राप्त किया करना, ठीक है। वायरस विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन, विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न करवाए जाते हैं। तो कुछ कई जो पादप हैं वो वायरस और फाइटोप्लाज्मा से संक्रमित होते हैं, जो वायरस हैं, ठीक है, एंड फाइटोप्लाज्मा, इनसे क्या होते हैं, ये पादप ग्रसित होते हैं, यानी कि रोग ग्रस्त होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के समय जो क्या होता है कि जैसे हमने किसी भी वायरस युक्त, ठीक है, यानी उसमें वायरस है, तो वायरस युक्त पादप का क्या करवाया है, कायिक प्रवर्धन करवाने पर, ठीक है, वायरस आसानी से संतति या नए पादप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन तो करवा लिया, लेकिन वो वायरस के साथ है, लेकिन अब आगे जो नया पादप बनेगा उसमें भी इस तरह से वायरस का संचरण आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को रोकने के लिए पादपों के प्रोसीड्स लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, पादपों के सूट एपेक्स लिए जाते हैं, ठीक है। सूट एपेक्स में भी क्या होती हैं, विभज्योतक होती हैं, या हम इसे कह सकते हैं शीर्ष विभज्योतक लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पादपों के शीर्ष विभज्योतक होते हैं यानी सूट एपेक्स में जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो वायरस रहित होती हैं, क्या होती हैं, ये वायरस रहित होती हैं, ठीक है। तो फिर एक्स प्लांट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, सूट एपेक्स या फिर उसकी विभज्योतकी कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं, और शीर्ष विभज्योतक संवर्धन द्वारा, ठीक है, कौन सी तकनीक द्वारा, शीर्ष विभज्योतक संवर्धन तकनीक द्वारा वायरस मुक्त पादप, वायरस या फाइटोप्लाज्मा मुक्त पादप तैयार करते हैं, ठीक है, वायरस या फाइटोप्लाज्मा मुक्त पादप बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब हम शीर्ष विभज्योतक लेते हैं तो उन कोशिकाओं में वायरस नहीं है, तो फिर जब हम उनका आगे संवर्धन तकनीक द्वारा उनको हम संवर्धित करते हैं तो फिर जो नए प्लांटलेट बनेंगे वो वायरस या फाइटोप्लाज्मा मुक्त होते हैं। तो इस तरह से विषाणु मुक्त पादप का पुनर्जनन करवाया जाता है। तो इस तकनीक से कुछ पौधे तैयार भी किए जा चुके हैं, जैसे पोटैटो वायरस PVS जो है, पोटैटो वायरस S और पोटैटो वायरस X DVX, ठीक है, इनसे मुक्त पादप तैयार किए जा चुके हैं, किसके, पोटैटो के। इस तरह से वायरस मुक्त पादप भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, किसकी, PTC की, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर की, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट में, और वो है कृत्रिम प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड, कृत्रिम बीजों का उत्पादन, ठीक है, तीसरा जो है इसमें ये आता है कृत्रिम बीजों का उत्पादन। तो भ्रूण जनन द्वारा जो कायिक भ्रूण विकसित किए जाते हैं उनके संपुटीकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भ्रूण जनन द्वारा उत्पन्न
कायिक भ्रूणों का संपुटीकरण कर कृत्रिम बीज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भ्रूण जनन द्वारा कायिक भ्रूण तो बन चुके हैं, लेकिन कायिक भ्रूणों के बाहर की ओर क्या है, कैप्सूल का निर्माण करवाया जाता है और इस तरह से विकसित पादपों के दृढ़ीकरण, वातानुकूलन और भंडारण और परिवहन की समस्या से निजात पाने के लिए कायिक भ्रूणों और प्रोकलिकाओं को संपुटित किया जाता है। किसमें? इसमें कायिक भ्रूणों व कलिकाओं को किसमें संपुटित किया जाता है? ये किया जाएगा सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट में। ठीक है, सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट में क्या किया जाता है, संपुटित किया जाता है। ठीक है, बीड्स किया जाता है। देखिए, जो एल्जिनेट है वो एल्जिन से बना है, एल्जिन पाया जाता है फियोफाइसी वर्ग में, एल्गी में। ठीक है, वहां से इसको कलेक्ट किया जाता है। तो आगे देखिए, संपुटित किया जाता है किसी मनके में। ठीक है, मनके का मतलब कोई भी पात्र है उसके अंदर संपुटित किया जाता है, मनके में संपुटित करते हैं, जिससे क्या है कि जो बाहर की जो लेयर है उनमें विकसित हो जाए। तो मनके में क्या होता है कि भ्रूण और प्रोकलिका में, उसके अलावा मनके में और क्या क्या होते हैं? तो मनके में देखिए, मनके में जो पोषक पदार्थ हैं वो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं PGR होते हैं, इसके अलावा पीड़कनाशी और प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, और पीड़कनाशी होते हैं, पीड़कनाशी का मतलब यही है जो सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर दे, वो पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं मनके में। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, इनसे आगे कृत्रिम बीज तैयार हो जाते हैं, कृत्रिम बीज तैयार हो जाते हैं। ठीक है, संपुटन का मतलब यही है कि जो हमारे पास ये भ्रूण है, कायिक भ्रूण है या कायिक कलिका है, उनके बाहर एक कैप्सूल का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, एक कैप्सूल बन जाएगा, यानी कि बीज में जैसे बाहर की ओर क्या होते हैं, बीज चोल होते हैं ना, जो उसका आवरण होते हैं, तो उस आवरण का निर्माण करवाया जाता है इन भ्रूणों के बाहर, जिससे कि वो बीज के आकार में या बीज के रूप में बन जाए। ठीक है, तो कृत्रिम बीज इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, कायिक भ्रूणों को सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट में संपुटित किया जाता है। सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट क्या करते हैं कि इन भ्रूणों के बाहर की ओर क्या है, भित्तियों का निर्माण कर देते हैं, जिससे, या हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण के बाहर एक तरह से कैप्सूल का निर्माण कर देते हैं। और इसमें सहयोगी भूमिका क्या निभाता है, ये मनका, मनके का मतलब जिस शेप में हमें उस कैप्सूल को या उस बीज को बनाना है, तो वो मनका होता है। और इस मनके में साथ में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, PGR एंटीबॉडीज और पीड़कनाशी होते हैं। पोषक पदार्थ तो पोषण का काम करेंगे, भ्रूण को पोषित अवस्था में रखेंगे। PGR जो कोशिकीय विभाजन अवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ जो कोशिका एलोंगेशन है, कोशिका वृद्धि, उसको भी बनाए रखते हैं। एंटीबॉडीज प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं जो कि बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा करते हैं, और पीड़कनाशी जो है वहाँ पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करते हैं। तो ये सारे काम इसमें होते हैं। इससे क्या होता है कि बीज के बाहर इस तरह से, ये भ्रूण के बाहर क्या बन जाता है, एक आवरण बन जाता है, तो इस तरह से कृत्रिम बीज तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, मूरा सीगे इसने किया था 1977 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1977 में मूरा सीगे द्वारा कृत्रिम बीज का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं भ्रूण बचाव नंबर 4। तो भ्रूण बचाव में देखिए, ये जो प्रोसेस अभी अभी हमने पढ़ा है वो भी भ्रूण बचाव से संबंधित ही है, यानी इस तरह से भ्रूणों को क्या किया जाता है, बचाव किया जाता है, या तो उनके बाहर
संपुटिका या कैप्सूल का निर्माण करवा दिया जाता है, जिससे कृत्रिम बीज तैयार हो जाते हैं, जिससे भ्रूण क्या है सुरक्षित रहता है। तो अंतर्जातीय संकरण से बनने वाले दुर्लभ भ्रूणों को बचाने के लिए भी पीटीसी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पूजनीय अगुणितों का एंड्रोजेनिक हैप्लोइड का उत्पादन। ठीक है, एंड्रोजेनिक हैप्लोइड्स का उत्पादन, इसका हिंदी में अर्थ होता है पूजनीय अगुणितों का उत्पादन। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अगुणित पादपों का उत्पादन। ठीक है, ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि पराग कोषों और पराग कणों का संवर्धन कर पूजनीय अगुणित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, और इनसे क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में शुद्ध वंश क्रम विकसित करने में इसका उपयोग होता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पीटीसी है, पीटीसी द्वारा एंथर व पोलन ग्रेन, ठीक है, एंथर व पोलन ग्रेन का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। ठीक है, अब एंथर और पोलन ग्रेन क्या है, अब एंथर में जो अवस्था है और पोलन ग्रेन में अवस्था है वो क्या होती है, हैप्लोइड होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन ही मान लो, जैसे पोलन ग्रेन क्या होता है, हैप्लोइड होता है। क्लियर, तो अब इससे आगे क्या होता है, पीटीसी में इसको संवर्धित करवाएंगे। संवर्धित करवाने के लिए पीटीसी को क्या करते हैं, पहले एक्स प्लांट के रूप में पोलन ग्रेन लिया जाएगा। ठीक है, उस पोलन ग्रेन को हम फिर क्या करेंगे, निजर्मीकृत करेंगे। ठीक है, ये निजर्मीकरण हो जाएगा। निजर्मीकरण करने के बाद इसको संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर इसमें कैलस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, फ्रेश संवर्धन माध्यम पे, फिर कैलस का निर्माण हो जाता है जो कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, और फिर उसमें विभेदन होता है, और विभेदन से फिर अगुणित पादप बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर किया जाता है। तो इससे क्या है, शुद्ध वंशक्रम तैयार किए जाते हैं, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में। तो इस प्रकार से अगुणित पादपों का विकास कर क्या किया जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में शुद्ध वंशक्रम तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो आता है इसमें त्रिगुणित पादप उत्पादन। त्रिगुणित पादपों का उत्पादन, ठीक है, देखिए त्रिगुणित पादप कौन कौन से हैं, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार। सेब, केला, संतरा, अनार, ठीक है, ये सारे जो पादप हैं ये बीज रहित होते हैं। तो सामान्यतया त्रिगुणित पादप कैसे होते हैं, त्रिगुणित पादप बीज रहित होते हैं। ठीक है, बीज रहित होते हैं। क्लियर, तो त्रिगुणित पादपों का विकास करवाया जाता है। बीज रहित पादप अगर उत्पन्न होंगे तो फिर उत्पादन क्षमता और आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, त्रिगुणित पादप विकसित करने से उत्पादन व साथ ही साथ क्या है, आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो आर्थिक महत्व को बढ़ाने के लिए इस तरह से पीटीसी द्वारा त्रिगुणित पादपों का निर्माण भी करवाया जाता है। इसके अलावा कायिक संकरण में भी पीटीसी का, और कायिक क्लोन बनाने में भी पीटीसी का, और जनन द्रव्य संरक्षण में जो जर्म प्लाज्म है उसको संरक्षित करने के लिए भी इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम जीन ट्रांसफर की विधियां देखेंगे, कौन कौन सी होती है प्लांट में। आज थोड़ा टाइम कम है।